अस्सलाम वालेकुम। नेजोट्रैकियल सेक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके जरिए पेशेंट के ट्रैकिया में फंसे स्प्यूटम यानी रेशे को एक सक्शन डिवाइस के जरिए सक कर लिया जाता है। ये प्रोसीजर उन लोगों में परफॉर्म किया जाता है जो खांसी के जरिए या किसी और तरीके से अपनी सांस की नाली को बहाल नहीं कर पाते। स्प्यूटम के अलावा पानी, खून या कोई और पार्टिकल्स जो लंग्स या ट्रैकिया में दाखिल हुए हों, उनको भी ट्रैकिया से सक करके निकाला जा सकता है। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये पार्टिकल्स लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में रुकावट डालते हैं, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल गिरने लगता है और फिर बॉडी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा रहता है। इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में हाइपोक्सिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि नेजोट्रैकियल सक्शन का प्रोसीजर कैसे परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले डॉक्टर सक्शन पंप के साथ एक ट्यूब कनेक्ट करके सक्शन प्रेशर को सेट करता है। इसके बाद एक कैथेटर सक्शन ट्यूब के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर इस कैथेटर के एंड को वाटर सोल्यूबल ल्यूब्रिकेंट से तर किया जाता है ताकि नाक के रास्ते कैथेटर आसानी से पास हो सके। इसके बाद पेशेंट को सांस लेने का बोला जाता है और इसी दौरान कैथेटर ट्यूब नाक के रास्ते इंसर्ट की जाती है और फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता ट्रैकिया तक पहुँचाया जाता है। इसके बाद सक्शन पंप को ऑन करके ट्रैकिया में मौजूद स्प्यूटम या बाकी पार्टिकल्स को सक कर लिया जाता है। सक्शन 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा देर तक नहीं की जाती, क्योंकि ज़्यादा देर तक सक्शन करने से लंग्स में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ड्रॉप हो सकता है, जिससे हाइपोक्सिया होने के चांसेस रहते हैं। अगर स्प्यूटम राइट ब्रोंकियोल में हो तो पेशेंट का सर लेफ्ट साइड घुमा दिया जाता है, जिससे कि कैथेटर ट्यूब का मुंह राइट ब्रोंकियोल की तरफ मुड़ जाता है और इस तरह राइट ब्रोंकियोल से स्प्यूटम को आसानी से सक कर लिया जाता है। और अगर स्प्यूटम लेफ्ट ब्रोंकियोल में हो तो पेशेंट के सर को राइट साइड घुमाकर स्प्यूटम को सक कर लिया जाता है। सक्शन करने के बाद कैथेटर ट्यूब को आहिस्ता से खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है और इस तरह पेशेंट का सांस दोबारा से बहाल हो जाता है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।